सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर हो रही हैं, वैसे ही क्रिप्टो जैकिंग भी अपने पांव आगे पसार रहा है। और आज दोस्तों हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में, जहां पे यूट्यूब पे दिखाए जाने वाले कुछ एड्स बिहाइंड द सीन्स आपके कंप्यूटर की ताकतों कर रहे हैं इस्तेमाल, और यहां पे वो माइंड कर रहे हैं मोनेरो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हालांकि क्रिप्टो जैकिंग के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं डिटेल में, लेकिन यहां पे आपको देता हूं एक बेसिक रीकैप। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर दोस्तों है वो हो गया है हाईजैक, आपको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उस कंप्यूटर को दोस्तों काम में लिया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। मतलब आपको लगता है कि आपका जो कंप्यूटर उसका पंखा घूम रहा है, वो गर्म हो रहा है, वो स्लो हो गया है, वगैरह वगैरह। आपको समझ में नहीं आता कि भैया वो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यहां पे दोस्तों बात ऐसी है कि हो सकता है आप जिस वेबसाइट पे हो वहां पे है एक ऐसी हिडन जावास्क्रिप्ट जो कि आपको बिना मालूम चले बिहाइंड द सीन्स आपके सीपीयू को इस्तेमाल कर रही है और वो दोस्तों माइन कर रही है क्रिप्टो करेंसी को। अब यहां पे दोस्तों एक वेबसाइट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसका नाम है कॉइन हाइव, वो ऐसी स्क्रिप्ट बहुत ही इजीली प्रोवाइड करती है जिसको दोस्तों कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकता है, जिसके बाद में उस वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स आएंगे उन सभी के कंप्यूटर्स की ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा मोनेरो माइनिंग के लिए। और यहां पे दोस्तों जो कॉइन हाइव है वो लेता है अपना 30% कमीशन। अभी ये चीज दोस्तों कुछ केसेस में ठीक है, कुछ केसेस में ठीक नहीं भी है। भाई मान लो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो कि आपको बहुत पसंद है, अब वहां पे अगर उस वेबसाइट ने इस चीज को इस्तेमाल में ले लिया और आपको अगर नोटिफाई कर दिया कि भाई देखो हम जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप विजिट करो या ना करो। आपको लगता है कि यार भाई अभी वेबसाइट तो इतनी अच्छी है तो क्या फर्क पड़ गया, अगर ठीक है मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा इसने काम में ले भी लिया, लेकिन आप जाके वहां पे विजिट कर लेते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये आपको मालूम ना चले और बिहाइंड द सीन्स आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये बात ठीक नहीं है। और ऐसे दोस्तों मोस्ट केसेस में यही होता है कि आपको बिना मालूम चले बहुत सारी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो बिहाइंड द सीन्स क्रिप्टो जैकिंग को यूज कर रही हैं, वो दोस्तों इस जावास्क्रिप्ट को यूज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत ही बड़ा जो सीन निकल के था सामने वो है द पायरेट बे का। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने दोस्तों देखा कि YouTube में कोई ऐड हो और वो भी इस चीज को काम में ले रहा हो। दोस्तों यहां पे हुआ ये कि एक यूजर ने नोटिस किया कि भाई जो उनका एंटीवायरस है उसने YouTube के एक ऐड को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, जब उसने देखा उन्होंने डिटेल्स में तो मालूम ही चला कि वहां पे वही कॉइन हाइव वाली जो मोनेरो वाली दोस्तों जावास्क्रिप्ट है उसको यूज किया गया है उसी ऐड में। मतलब दोस्तों ये जो चीज है फिलहाल इंडिया में नहीं है, हैकर्स जो है वो कुछ अलग अलग कंट्रीज में काम में ले रहे थे, YouTube ने इस पे एक्शन लिया और अब YouTube वाले बोलते हैं कि हम विद इन 2 आवर्स ऐसे किसी भी ऐड को बंद कर देते हैं, उसके अकाउंट को हम ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हैकर जितना पैसा खर्च कर रहा है उस ऐड को प्रमोट करने के लिए, उससे ज्यादा जो पैसा है वो दोस्तों कमा रहा है सामने से, बिकॉज जो माइनिंग है वो हो रही है मोनेरो की। और होता दोस्तों ये है कि वो पहले बनाते हैं एक फ्रेश अकाउंट, एकदम क्लीन क्लियर ऐड सबमिट करते हैं जिसको दोस्तों गूगल कर देता है अप्रूव। जैसे वो होता है अप्रूव, बाद में दोस्तों उसमें करते हैं एडिटिंग और उसके बाद में जो मलिशियस कोड है जो जावास्क्रिप्ट उसको वो करते हैं उसमें एम्बेड, जिसके बाद में वो मोनेरो की माइनिंग करता है। और एक और रिसर्च तो ये बताती है कि कुछ केस में दोस्तों ये भी है कि वो एक कस्टम स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं जहां पर उनको कॉइन हाइव को उसका 30% कमीशन भी देना नहीं पड़ रहा है और वो डायरेक्टली यूजर्स के कंप्यूटर्स की ताकत को इस्तेमाल करते हुए माइन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो हालांकि दोस्तों यहां पे यूट्यूब और गूगल ये बोलते हैं कि हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं एकदम सीरियसली अभी, और हमने ऐसे जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनको हम हटा रहे हैं धीरे धीरे, और आगे अगर कोई भी ऐसा आएगा तो हम उसको भी हटा देंगे, हमारे सिस्टम से उनको हम कर रहे हैं और सिक्योर। लेकिन आप सोच के देखो कि आप बस कंप्यूटर पे यार कुछ भी अपना काम कर रहे हो, इसके बारे में YouTube को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, जो जिसने ऐड लगाया उसकी माइनिंग हो रही है, जो आप है वीडियोस देख रहे हो YouTube को ऐड का पैसा मिल रहा है वगैरह। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सीन है ना वो फ्यूचर में आप सोचो कि मतलब अगर आपकी सभी पॉपुलर वेबसाइट्स पे ऐसे लोग यूज करने लगे क्रिप्टो जैकिंग को, तो आपको तो मालूम भी नहीं है, आपका कंप्यूटर तो गर्म होते जा रहा है और आपको सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए उन वेबसाइट से जाने के लिए अपने सीपीयू की पावर को दोस्तों करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। तो अभी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अभी इंडिया के लिए कोई सीरियस इशू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एकदम सब कुछ क्लियर है और YouTube Google एक्शन ले ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा हो फ्यूचर में दोस्तों, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और ऐसी कौन सी फेवरेट वेबसाइट्स हैं जिनके लिए आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा बहुत गर्म भी होने दोगे। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।